कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव जी सिंधिया की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सभी बीजेपी नेताओं ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी भाजपाइयों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर माधवराव सिंधिया को एक सच्चे सेवक बताते हुए कहा कि भारत में रेलवे का विकास माधवराव सिंधिया की ही देन है। आज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की 19वीं पुण्यतिथि है। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो निरंतर शाम 5 बजे तक पुष्पांजलि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित रहेगा। प्रश्न ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बार माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देखिए, पहली बार इसलिए मनाई जा रही है कि आज पूरा का पूरा सिंधिया परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। उनके सारे समर्थक, उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक जो लोग उनके साथ थे, वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं। और इसी कारण से अब दीनदयाल परिसर में माधवराव सिंधिया जी की जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम विधिवत मनाया जाएगा। जिस प्रकार से सिंधिया जी की जब ज्वाइनिंग हुई थी तो यहाँ पर माधवराव सिंधिया जी की चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया था। आज पुण्यतिथि, इस कारण से सभी लोग हम यहाँ इकट्ठा होकर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज कांग्रेस भी 12 बजे से जो है माधवराव सिंधिया जी का पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने कभी भी माधवराव सिंधिया जी को याद नहीं किया था। महाराज सिंधिया जी के ही लोग हम लोग जो है उनकी 2002 से जयंती और पुण्यतिथि PCC में मनाते आए हैं। उनकी पुण्यतिथि मनाने का कारण है उपचुनाव, और उपचुनाव की वो 16 सीटें जहां पर सिंधिया परिवार का वर्चस्व है, तो उनको लुभाने के लिए, उनको लोगों को लुभाने के लिए आज वो माधवराव सिंधिया जी को याद कर रहे हैं। जबकि माधवराव सिंधिया जी का ने अपना पूरा जीवन, जहाँ तक कि वो लोकसभा के चुनाव प्रचार में, कांग्रेस के प्रचार में ही उनका विमान दुर्घटना में निधन हुआ था, उसके बाद भी कांग्रेस कभी उन्हें याद नहीं करती थी। आज अगर वो उन्हें याद कर रही है तो इसके पीछे उनकी मंशा केवल और केवल उपचुनाव है और उनके लोगों को प्रभावित करने का एक सुनियोजित तरीका है। माधवराव सिंधिया अमर रहे।